In aligned up interview series with our alumni, to add some more colors in the feathers of HJS, we are going to have interactive sessions with some of them. So stay tuned. तो आज आप सबका स्वागत है हमारे साथ हमारी एलुमनाई मीट के फर्स्ट स्टेप पर. और आज हम आए हुए हैं अजय बैसला जी के यहाँ पर. और अजय बैसला जी हमारे स्कूल के एलुमनाई थे और ये हमारे 1998 बैच के थे. और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे जूनियर्स हमारे साथ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगेगा जब जूनियर्स बात करेंगे अपने सीनियर्स से. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन टुडे. Today I am very excited to talk to my senior school student and our precious alumni Ajay Vesla sir. So respected sir, can I ask you some questions? Yes, of course. Go on. First question for you is, आपके स्कूल में हमारी जर्नी कैसी रही थी? देखो स्कूल की जर्नी तो मेरी लाइफ टाइम जर्नी है और वो यादें जो स्कूल के साथ जुड़ी हैं वो आज भी मेरे साथ ताज़ा हैं क्योंकि जो भी कुछ मैं आज हूँ वो अपने स्कूल की वजह से हूँ. वो स्कूल ने मुझे पढ़ाया लिखाया बहुत कुछ सिखाया. जो अध्यापक मेरे साथ थे टीचर मेरे साथ थे उन्होंने प्यार से पढ़ाया. हम शरारतें भी करते थे हम पढ़ाई भी करते थे हम खेलते भी थे हंसते भी थे. और सबसे बड़ी बात जो मेरे दोस्त यार मित्र स्कूल में मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ हैं तो मेरी स्ट्रेंथ है. स्कूल तो मेरी स्ट्रेंथ है. सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने बचपन और टीचर्स के साथ. यादें तो बहुत सारी है मेरे टीचर्स और बचपन के साथ क्योंकि जो रिश्ता टीचर्स और मेरे बीच में था वो आज भी उनके साथ मेरा है. अभी एक बड़े दुख की खबर भी हमारे वरिष्ठ टीचर थे डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी. मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ उनको श्रद्धांजलि देता हूँ. उनसे मेरा बड़ा प्यार था. वो हमारे हिंदी के टीचर थे हमारे बीजोशी मैडम थी हमारे प्रिंसिपल सर थे इकोनॉमिक्स के दास सर थे सूद मैडम इंग्लिश पढ़ाती थी. तो सब चीज़ें मुझे याद हैं आज भी. हम शरारते भी करते थे डांट भी खाते थे. आजकल के बच्चे डांट खाने से बुरा मान जाते हैं. हम डांट खाते थे लेकिन टीचर में उतना प्यार करते थे. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा बैच है 1998 का कुछ अब तो स्कूल के बैचों में जानकारी नहीं थी. हमारे बैच में 100% बच्चे सक्सेसफुल हुए थे. आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं बड़े बड़े अहदों पर हैं विदेशों में बड़े अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. विदेशों में डॉक्टर भी हैं पॉलिटिकल फील्ड में. और हरमन माइनस स्कूल का नाम एक ब्रांड था फरीदाबाद में. और ऐसा स्कूल जहाँ लोग एडमिशन के लिए तड़पते थे कि हमारा काज एडमिशन हो जाए. तो इस स्कूल के साथ बतेरी यादें हैं. शरारते वाली यादें भी हैं. असेंबली में छुप जाना और टीचर ढूंढते रहना क्लास में क्लीनिंग ड्यूटी लगवा देना कि हम तो आज क्लास में सफाई करेंगे हम असेंबली में नहीं जाएंगे. बहुत छोटी छोटी यादें हैं. और जो लीडरशिप क्वालिटीज मुझे स्कूल से मिली और जो ब्रदरहुड मिला भाईचारा वो आज मेरे साथ कायम है. जो भाईचारा ब्रदरहुड मेरे स्कूल में था हम सब इकट्ठे रहते थे आपस में लगड़ते झगड़ते नहीं थे प्यार करते थे एक दूसरे का ख्याल रखते थे सबके पेरेंट्स एक दूसरे पर विश्वास रखते थे. और जब हम स्कूल से चलते थे ना हम उस टाइम पैदल भी स्कूल से आते थे काफ़ी बच्चे. तो हमारे स्कूल की जो गर्ल्स थी वो हमारे साथ चलती थी. उनके पेरेंट्स कहते थे तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं तो दे फील वेरी सेफ. उस टाइम बड़ा सेफ एनवायरमेंट था. और बहुत सारी छोटी 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 यादें हैं. लवानिया था प्रिंसिपल थे वो डांटते बहुत थे लेकिन साथ में फिर बाद में अपने प्रिंसिपल रूम में बुला के टॉफियाँ भी देते थे पब्लिकली डांटते थे टॉफियाँ बुलाते थे. बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं. तो स्कूल मैं आपको भी कहना चाहूँगा बेटा अभी आपको लग रहा होगा स्कूल पता नहीं क्या है लेकिन जब आप स्कूल पास आउट कर दोगे तो यू विल मिस द स्कूल द मोस्ट. जैसे हम आज स्कूल को मिस करते हैं और स्कूल हमारे पास में ही है. मैं तो अभी भी कभी कभी बाहर जाके देख लेता हूँ स्कूल चला जाता हूँ. जो मेरे दोस्त बाहर से भी आते हैं फॉरेन में भी बहुत सारे दोस्त हैं यूएस में यूके में लंदन में ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत मिस करते हैं. तो स्कूल और हर महीने स्कूल जैसा स्कूल परिवार तो नहीं था. अच्छा टीचर्स नहीं थे. आज हमारे टीचर्स बेस्ट टीचर्स थे आज भी बेस्ट टीचर हैं. अब थोड़े अलग जितने स्कूल के प्रिंसिपल आज टॉप मोस्ट हैं वो हमारे टीचर्स थे हमारे क्लास टीचर थे. अनिल शर्मा सर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो डीपीएस के प्रिंसिपल हैं. अयूब सर प्रिंसिपल थे. भारती मैडम थी वो प्रिंसिपल हैं इस टाइम. तो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद स्कूल. हेलो सर मैं सुप्रीत कौर मैं आपसे जूनियर थी. आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेम स्कूल. आप 98 बैच के थे मैं 99 बैच की थी. और मैं अब इसी स्कूल में एज अ पीआरटी टीचर हूँ. क्लासेस नर्सरी टू 5 तक हम पढ़ाते हैं. तो एक क्वेश्चन सर मेरी तरफ से भी जो कि है एक स्टूडेंट से लीडर बने तक का सफर आपका कैसा रहा? पहली बार तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जूनियर हमारे स्कूल में ही पढ़ा रही है. और
जो बचपन हमने वहां जिया है वो आपको मौका दोबारा जीने का मिल रहा है। यू आर वेरी लकी, यू वेरी लकी, क्योंकि उन्हीं स्कूल उन्हीं क्लासरूम में वो लाइफ जीने का मौका हर किसी को मिलता है, तो लकी इस पर्सन को मिलता है। सफर बड़ा अच्छा रहा और सफर का पता ही नहीं लगा मैं कैसे कैसे बन गया। जब हम स्कूल में थे तो हम सब दोस्तों को साथ लेके चलते थे, टीचर्स हमें प्यार करते समझाते थे। उसके बाद हम स्कूल से कॉलेज में गए तो भी स्कूल के द्वारे सारे दोस्त साथ रहे, कोई ग्रुप जो बना और जो पीआर हमारा शुरू हुआ लोगों से, वन टू वन लोग जुड़ने शुरू हो गए। फिर कॉलेज गए लेकिन दोस्त और स्कूल के बच्चे साथ ही रहे। उसके बाद कॉलेज के बाद 2010 में जब मुझे लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए इस लाइन में आना चाहिए कि हम उस सीट पे आ सके ताकि कुछ कर सके, ताकि हम कुछ कर सके। और इस सब में जो मेरी स्ट्रेंथ रहा वो मेरा स्कूल ही रहा, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे दोस्त थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, मेरे स्कूल से थे। और जो मेरा एरिया पहली बार आया वो भी मेरे स्कूल वाला एरिया आया, तो इट वॉज मतलब एफर्टलेस चीजें थी, मतलब कुछ बहुत बड़ा एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो अपने आप एक स्विंग के साथ होता चला गया। एंड अकेले चले साथ कारवा जुड़ता चला गया, तो कारवा ऐसा बना कि जीत की तरफ चलता गया। फिर बीजेपी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं इलेक्शन फाइट हुआ। और एक सबसे आपको अच्छी बात बताता हूँ, जो हमारे रिजल्ट को मेरा पहला इलेक्शन था उसका रिजल्ट की काउंटिंग थी वो मेरे स्कूल में ही हो रही थी। और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि स्कूल ने मुझे आज तक कभी हराया नहीं है, तो मेरे अंदर से गट फीलिंग थी अगर यहाँ काउंटिंग होगी तो 100% जीतूंगा। और ऐसे ही हुआ, दो इलेक्शन लड़ा, दोनों ही काउंटिंग मेरे स्कूल के अंदर हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट एक नियरेस्ट स्कूल को काउंटिंग सेंटर बनाती है। और दोनों में ही मेरी विजय सीट रही और दोनों में ही वन ऑफ द लीडिंग मार्जिन्स में मैं रहा। तो ऐसी चीजें और स्कूल, मैं तो बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि नेवर बी डिप्रेस्ड। कोई बच्चे कह सोचते हैं कि भाई हमने ये नहीं किया तो हम पढ़ाई नहीं मैं अच्छे नहीं कर पा रहे स्पोर्ट्स में नहीं, हर किसी की लाइफ में एक ना एक मौका है, आप उसमें जाओ। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये नहीं, हम अगर हमारे 95% मार्क्स नहीं आ रहे, 99 नहीं आ रहे तो हम डिप्रेस हो जाए नहीं। इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी जगह है, आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर हो गए। और हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहो, जहां आप हो, आप थे, आप जुड़े रहोगे तो ये ग्राउंड आपको हमेशा उठाए। SOS Hammer Minor has always been a blessing to his children. It's always been blessed. Always. हर कोई बच्चा इतना blessed है यहाँ आके। उस मिट्टी में ही कुछ है। बिल्कुल सर। कि मैं गुरजीत कौर और एक बार फिर मैं जुड़ना चाह रही हूँ अजमेर सर जी के साथ। और मेरा भी एक क्वेश्चन है, जब सब लोग अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लीडर, पहले आप स्टूडेंट रहे, एक आप बेटे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, लेकिन एक जो नेता बने, आप लीडर बने, तो क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लगा कि बढ़ गई हैं आपके पास, से एडम हो गई है? देखो ये तो अपने समझ के ऊपर है, मैं अपने आपको लीडर नहीं समझता, मैं फॉलोअर समझता हूँ, मैं लोगों को फॉलो करता हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गवर्नमेंट ने दी है वो तो काफी सारी है, एज ए म्यूनसिपल काउंसिलर जो एरिया की रख रखाव है, स्ट्रीट लाइट है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स हमारे पास होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होता है, सीवरेज हमारे पास होता है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं एज अ लीडर जो आपने बोला वो समझता हूँ कि लोगों को जोड़ कर रखना, लोगों को खुश रखना, लोगों को कंफर्टेबल रखना। जो आदमी मेरे पास आए उसकी समस्या का समाधान हो जाए, अगर उसकी समस्या का समाधान हो गया तो वो मेरे आप में अचीवमेंट है, वही मेरा काम है। और जैसे आप लोग भी आए हो तो आई वॉन्ट यू टू फील कम्फर्टेबल विद मी, मतलब ऐसा ना लगे कि आप कम्फर्टेबल ना हो, बातें ना कर पाओ, करना हो अपने ग्रीवेंसेस हमें बताए, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी, जो मुझसे नहीं होगी मैं अपने सीनियर से बात लेके जाऊंगा, उनको वहां से करेंगे। तो लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, अपने देश को बेहतर बनाना और एक समाज को एक बेहतर जगह पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे बहुत, मैं यहाँ पे मैं भी एक एडम करना चाहूंगी, जब मैंने सर से बात की, आपसे नंबर लिया मैंने आपसे, तो मुझे बड़ी हेजिटेशन थी, पता नहीं कैसे ना टाइम कैसे लूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने ना केवल फटाफट मेरे फोन के मैसेज को देखा, बिकॉज आई वॉज टोटली अननोन, एंड जैसे ही मैंने वो एजीएस का नाम लिखा मुझे लगा आपने देख लिया कि तो स्कूल का कॉल है, आपने फटाफट रिवर्ट किया और फटाफट से हमें टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मुझे लगा कि एक लीडर बनने का शायद जो आपका सफर है उसका बेस पॉइंट ही यही है कि आपने इतनी जल्दी। ये मेरा व्हाट्सएप है, दिस इज माय व्हाट्सएप। ओके, I used to get around 10 to 15,000 messages per day.
ये आज के चल रहे हैं, कल हुआ नहीं। इसी इन मैसेजेस में हमारे मैसेजेस को देखना, आई थिंक इट्स एचजीएस स्पेशल फॉर मी, एचजीएस स्पेशल है। और सैटिस्फाई है सर, क्योंकि हम चाहते हैं, बच्चों आप लोग भी देख रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारे जूनियर्स हैं वो इस चीज को समझें कि कहीं तो एफर्ट्स बहुत लगे हैं, तभी आज आप इस सीट पर हो। एफर्ट्स तो मैम आप एक सीधे रास्ते पर चलिए, गलत किसी से करिए मत, भगवान आपको हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ाएगा। आप गलत करोगे तो डिप्रेस, लाइफ में डिप्रेस नहीं होना, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है। चीजें आती हैं जाती हैं, उतार भी आता है चढ़ाव भी आता है, सीखना है। और जिस सीट पे हम बैठे हैं हम तो उस सीट पे जिसको हम तो रिसीव करते हैं, हमें लोग प्यार भी करते हैं, हमें लोग उल्टा सीधा बोल जाते हैं, हमें तो ग्रहण करना है। पॉजिटिविटी अंदर रहती है, नेगेटिव निकल जाती है। सर एज अ जूनियर मैं आपको, एज अ सीनियर देखती हूं, तो आपका क्या मैसेज होगा फॉर ऑल द जूनियर्स? सबसे पहला मैसेज तो है कि जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप सोच सकते हो कर नहीं सकते। और आजकल का जो माहौल है कि बच्चे अब आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की बहुत कम हो गई है, हमेशा घर में रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। और बच्चों को ना डिप्रेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन से बचना चाहिए। देर इज ऑलवेज चांस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। जब अजय फैसला कुछ कर सकता है तो मैं मानता हूँ कोई भी कुछ कर सकता है। ये मेरा मैसेज है बच्चों के लिए, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड। और आज तो इतनी सारी फील्ड खुल गई हैं, आज तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को एवरी फील्ड में, कि आप ये स्पोर्ट्स में जाओ, आप पढ़ाई में जाओ, आप साइंस में जाओ, आप कहीं भी जाओ, मतलब व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। तो मेरा बच्चों को यही, और स्पेशली एचजीएस के बच्चों को, एचजीएस तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेवा करने के लिए ही आया है। और जो बच्चा और जो टीचर्स हमारे हैं, जो बच्चा जो सोचेगा वो कर सकता है। और मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ है, बिकॉज यू आर फ्रॉम सच एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन जिसका बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं जो फरीदाबाद में फेमस है या फिर दिल्ली एनसीआर में फेमस है, एचजीएस एक वर्ल्ड फेमस नेम है जो दुनिया में फेमस है, जो दुनिया में हर जगह इसकी ब्रांचेज हैं, दुनिया में हर जगह है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड यू हैव अ नंबर ऑफ सीनियर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया के हर पार्ट में एचजीएस का बच्चा है। यू जस्ट हैव टू रीच हिम एंड दे विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा यहाँ आने का एक स्पेशल पर्पज था, हम आज होली खेलेंगे अजय जी के साथ, वो भी COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो चलो देखते हैं हमारे बच्चे आज होली कैसे खेलने वाले हैं। तो आज हम होली कैसे खेलेंगे? आज हम रंग लेंगे और हाथों में घुस लेंगे और अपने आप को रंग लगा के बोलेंगे हैप्पी होली। हैप्पी होली किसको बोलेंगे हम? अजय सर। हाँ तो चलो बोले फिर हैप्पी होली। तो लीजिए कलर्स अपने हाथों में, आप भी लो थोड़ा सा कलर, कलर लो बेटा, और आपके हाथ में फ्लावर्स भी है ना। चलो अब कलर तो कहाँ लगाना है हमें? हैप्पी होली सर को बोल रही हैं जी। और बोलना किसको हैप्पी होली? हैप्पी होली सर। बोलिए हैप्पी होली, हैप्पी होली सर। डालिए फ्लावर्स, हैप्पी होली फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आकर आपकी यादों को सुनना, और बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक स्टूडेंट जिसने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो आज यहाँ पे होंगे, और वो भी इतने अच्छे से, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, और हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिली। थैंक यू वेरी मच। टोकन ऑफ लव फ्रॉम अजय सर। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये होली सेलिब्रेशन चल रही है और ये लड्डू खाए जा रहे हैं, टीम मेंबर्स हमारे सारे वेट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे इतने बड़े हो गए। इट्स वंडरफुल टाइम। थैंक यू सर।